आज का हमारा टॉपिक है सिंधु धर्म भारतीय धर्म और संस्कृति का विकसित स्वरूप हमें सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है वैसे भारत का इतिहास पाषाण युग से आरंभ हो गया था लेकिन देश की सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हमें सिंधु सभ्यता से ही दिखाई देता है इस सभ्यता के अधिकांश अवशेष सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में उपलब्ध हुए हैं इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1920 में माधो स्वरूप और दयाराम साहनी के नेतृत्व में मौंट गुमरी जिले में हड़प्पा में शुरू किया गया इसके बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में सिंध के लरकाना में खुदाई की गई जिसके परिणाम स्वरूप मोहन के भग्नावशेष मिले अब तक की पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान बलूचिस्तान सिंध पंजाब पश्चिमी राजस्थान गुजरात और उत्तर भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे इस सभ्यता के काल के प्रश्न पर विद्वानों में मत का अभाव देखने को मिलता है बुली हॉल बैक कार्डन चाइल्ड इसे विश्व की सबसे प्राचीन और आरंभिक सभ्यता मानते हैं जबकि जॉन मार्शल और मुखर्जी के अनुसार इस सभ्यता का आरंभ 3200 ईसा पूर्व से पहले हुआ था डॉक्टर राजपली पांडे के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष ईसा पूर्व की है डॉक्टर राधा कृष्णन की ये मान्यता है कि सिंधु सभ्यता 3500 से 2500 ईसा पूर्व में अपनी चरम सीमा पर थी महोदय इसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य की सभ्यता मानते हैं नवीन शोधों के आधार पर मैके महोदय भी इसी का समर्थन करते हैं कार्बन चौदह प्रणाली के अनुसार इसका विकास काल 2400 से सत्रह पचास ईसा पूर्व माना जाता है के के धार्मिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि खुदाई में न तो कोई धार्मिक स्थान मिला है और न ही कोई धार्मिक साहित्य खुदाई से प्राप्त मूर्तियों मोहरों और ताबीजों से हम इनके धर्म की रूपरेखा निश्चित कर सकते हैं प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग बहुदेववादी थे और ये भी माना जाता है कि ये लोग एक परम सत्ता में विश्वास करते थे इसे वे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे और इसी इसके दो रूपों की ये उपासना किया करते थे परम पुरुष और परम नारी इस प्रकार इन्होंने द्वंदात्मक धर्म का जो था वो विकसित किया था वर्तमान हिंदू धर्म में शिव और पार्वती की कल्पना का आधार भी यही द्वंदात्मक धर्म था परम पुरुष खुदाई में हमें एक मोहर मिली है इस पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में है इसके तीन मुख मस्तक पर त्रिशूल नुमा वस्तु है बाई और गेंडा और भैंसा दाई और हाथी और व्याघ्र सामने हिरन है ऊपर छह शब्द लिखे हैं लेकिन इन्हें नहीं पढ़ा गया अनेक विद्वानों का मान्यता है कि ये चित्र भगवान शिव का है क्योंकि उन्हें त्रिमुख त्रिशूलधारी योगेश्वर कहा गया है लेकिन ध्यान देने वाली बात है इसमें नंदी का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है यदि चित्र शिव का है तो नंदी का होना जरूरी है कुछ का मानना है कि ये त्वस्त है जिसे प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है एक अन्य मुद्रा में एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है दोनों ओर एक एक नाग सामने दो नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है नागों से घिरा हुआ ये योगी का चित्र भगवान शिव का है एक अन्य मुद्रा के ऊपर धनुर्धारी शिकारी का चित्र अंकित है विद्वान इसे किरात वेशधारी शिव मानते हैं जो भी हो यह सत्य है ये लोग एक परम पुरुष की उपासना करते थे और इनका परम पुरुष आधुनिक युग के भगवान शिव से बहुत अधिक मिलता जुलता था द्वंदात्मक धर्म के दूसरे रूप में ये लोग परम नारी की पूजा किया करते थे खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी नारी की मूर्तियों मिली है विद्वानों का अनुमान है कि ये मूर्तियां मात्र देवी की है प्राचीन संसार में मात्र देवी की पूजा लोकप्रिय थी मिश्र मेसोपोटामिया, क्रीट आदि में भी मात्र देवी की उपासना की जाती थी कालांतर में मात्र देवी की इस उपासना से ही शक्ति पूजा की परंपरा विकसित हुई है मात्र देवी की मूर्तियां प्राय नग्न रूप में मिली है कमर में पटका मेखला गले में गुलबंद और हार दिखाया गया है कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है जिस जिसमें उसे शिशु को स्तन पान करते हुए बताया गया है एक मूर्ति के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ बताया गया है संभवतः यह है वनस्पति जगत की देवी का प्रतीक रही होगी मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति के शीश पर एक पक्षी पंख फैलाए हुए बैठा है संभवतः यह पशु पक्षियों की देवी का प्रतीक हो इन मूर्तियों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी मातृ देवी को सृष्टि की जननी पालिका और पोशिका मानते थे बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर प्याले नुमा दीपक बने हुए हैं और इन मूर्तियों के आगे के भाग काले हो रहे हैं संभवतः वे इनमें धूप और दीप जलाते थे और धुएं के कारण इनके आगे का भाग काला हो रहा है प्रदेश के सभी स्थानों पर मातृ देवी की पूजा प्रचलित नहीं थी राजस्थान और गुजरात में हमें अग्निवेदिकाएं मिली है यहां से हमें मातृ देवी की मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई है परम पुरुष और परम नारी की उपासना के साथ साथ ये लोग वृक्ष पूजा भी किया करते थे इसकी पुष्टि खुदाई से प्राप्त मोहरों से होती है मोहन चौदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर दो पशुओं के शीश पर नौ पीपल की पत्तियां अंकित एक एक अन्य मुद्रा पर स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी हुई है इसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने हुए एक अन्य आकृति चित्रित की गई है मार्शल महोदय का मत है कि ये मुद्रा इस मुद्रा में अंकित टहनिया पीपल की है और स्त्री पीपल की आत्मा रूपी देवी है विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग वृक्ष पूजा दो रूपों में किया करते थे एक वृक्ष को प्राकृतिक रूप से पवित्र मानकर पूजना और दूसरा वृक्ष को देवता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करना जैसे पीपल की पूजा ऐसा लगता है कि सिंधुवासी तुलसी पीपल नीम आदि वृक्षों की पूजा जो थे वो किया करते थे हिंदू धर्म में आज भी वृक्ष पूजा की जाती है तुलसी पीपल इनकी पूजा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है वृक्ष पूजा के साथ साथ ये लोग पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे कुछ मुद्राओं के ऊपर बैल के चित्र बने मिले हैं खिलौनों के रूप में भी बैल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है मोहन जोदड़ो में पत्र पर बैल बना हुआ प्राप्त हुआ है विद्वानों का मानना है कि बैल को ये लोग शक्ति का प्रतीक मानकर उसकी पूजा किया करते थे गाय की पूजा के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं लेकिन नाग पूजा इनके यहाँ अत्यधिक प्रचलित थी एक मुद्रा पर नाग पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र है मुद्राओं पर हाथी बाघ भेड़ गेंडा हिरन गिलहरी आदि पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं संभव है कि ये सभी पशु पक्षी सिंधु वासियों की देवी देवताओं के वाहन रहे होंगे सिंधुवासी पशुओं की आकृतियां भी बड़े विचित्र ढंग से बनाते थे कुछ में आधे मनुष्य और आधे पशु थे कुछ भेड़ कुछ में आधा भेड़ और आधा बकरा आधा हाथी और आधा बैल इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे इनमें देवी कर इनकी पूजा पूजा वो किया करते थे। इनके यहां जल पूजा के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं लेकिन विशाल स्नानागार का मिलना और कुंड का मिलना इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग स्नान कुंड को नदी देवता का प्रतीक जो थे वो माना करते थे और संभवतः पवित्र उत्सवों और शुभ मुहूर्त पर स्नान करने की परंपरा इनके समाज में प्रचलित थी इनके अलावा सिंधुवासी प्रतीक पूजा भी किया करते थे सिंधु प्रदेश में अनेक स्थानों पर सिंह स्तंभ स्वास्थिका के चित्र मिले हैं संभवतः ये किसी देवी देवता के प्रतीक या धार्मिक भावना के प्रतीक रहे होंगे यह भी संभव है कि इनके प्रयोग के द्वारा सिंधुवासी व्याधि से अपनी रक्षा करते होंगे इनके अंधविश्वास के कोई उपकरण रहे होंगे। खुदाई में अनेक मुद्राओं पर स्वास्थ्य चक्र क्रॉस के चिन्ह अंकित मिलते हैं सिंधु प्रदेश में पाषाण स्तंभों और स्वास्तिक चिन्हों की जो थी वो संभवतः पूजा होती थी मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर धूप और दीप जलते हुए बताया गया है कभी कभी इनके नीचे आग जलती हुई बताई गई है कदाचित इनमें कोई धार्मिक क्रिया अंतर्निहित रही होगी सिंधुवासी साकार उपासक थे इनके समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी ये अपनी मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित करते थे या नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि खुदाई में मंदिर के कोई भी चिन्ह हमें नहीं मिले हैं स्नानागार का मिलना स्नान कुंड का मिलना कुओं का मिलना यह इस बात का द्योतक है कि ये लोग पूजा या धार्मिक पर्व से पूर्व शारीरिक शुद्धि पर बल देते थे पूजा में धूप दीप का प्रयोग भी होता था खुदाई में मात्र देवी की कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिनके ऊर्ध्व भाग में दीपक बने हुए हैं दीपक के धुएं के कारण इनके आगे के भाग आज भी काले देखे जा सकते हैं अनेक मुद्राओं और मूर्तियों में और दिखाई गई हैं। हड़प्पा में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक समारोह का है। मनुष्य के झुंड के बीच एक आदमी ढोल बजा रहा है एक मुद्रा में कुछ मनुष्य नृत्य कर रहे हैं संभव है कि ये सारे अंकन व्यक्तिगत या सामूहिक आमोद प्रमोद के हों लेकिन यह भी संभव है कि ये नद नारी नृत्य और संगीत के द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे होंगे इसके अलावा हमें काली बंगा अग्निवेदिकाएं भी प्राप्त हुई है काली बंगा से ईट के बने चबूतरे पर सात आयताकार अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है पास में एक कुआ भी प्राप्त हुआ है इन अग्निवेदिकाओं में राख और कोयले हैं साथ ही मिट्टी के पिंड और स्तंभ मिले हैं एक अन्य चबूतरे पर कुवे के साथ साथ कुछ अग्निवेदिकाएं मिली है, जिसमें की और के सींग मिले है। कुछ विद्वान यहां पशु बलि का अनुमान लगाते हैं काली बंगा के घरों से भी हमें अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है लोथल से भी हमें अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है वणावली और राखी गढ़ी से भी हमें व्रताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, है संभवतः इन प्रदेशों के अंतर्गत अग्नि पूजा को महत्व दिया जाता होगा